इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। रियासत कर्नाटक के दलित संघर्ष समिति के सदर जनाब आर मोहन राजू हमारे साथ हैं, लिहाजा आईन हिंद के तहफ़ुज़ के लिए यानी कि जो 26 जनवरी है जो यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया जाता है, लिहाजा आईन हिंद के तहफ़ुज़ के लिए वो पूरे रियासत में अपना दौरा कर रहे हैं। कल चिकोड़ी में भी उनका एक इजलास है जिसे वो ख़ताब करेंगे। अब बेंगलोर से बेलगाम आए हैं तो हम उनसे कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं। लिहाजा सबसे पहले आर मोहन राजू साहब, आपका हमारे चैनल पर खैर मकदम इस्तकबाल। ये बताइए कि सबसे पहले कि हमारा दस्तूर कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, उसे बदलने की साजिश की जा रही है, सवर्णों का राज है, दलितों को कुचलने की कोशिश की जा रही है, अकलीतों को कुचलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस अंदाज से दलित का एक तबका जिस अंदाज से उभर कर मुखालिफत करना है वो नहीं आ पा रहा, कहीं नज़र नहीं आ रही वो मुखालिफत, यानी कि जो एक रिटेलिएशन नज़र नहीं आ रहा, उसकी क्या वजह हो सकती है? फर्स्ट वो मुबारक है वो चैनल का आपका इधर आके थोड़ा मेरा क्या ये मेरे ओपिनियन का आप वो पूछ रहा है, शुक्रिया। अभी क्या चल रहा है वो मनुवाद का इम्प्लीमेंट हो रहा है स्लो में। क्या 2014 में वो गवर्नमेंट मोदी का गवर्नमेंट आ गया, अभी मेरा भैया राजू का मैं बात किया अभी, वो क्या ये अंदर का लफड़ा चल रहा है वो SC ST अंदर OBC का, ये RSS का लफड़ा है, RSS का करने का इसका क्रिएट किया अभी ST का है ना, ST का वो कुरबा समूह कम्युनिटी क्या बोल रहा है हमको रिजर्वेशन होना, ST वाल्मीकि क्या बोल रहा है नहीं 7.5 होना, इसलिए वो पूरा RSS का ये खिलाफ है, इस RSS का ये कम्युनिटी का वो गलाटा करने का वो ऐसा कर रहा है। तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का या क्या रिजर्वेशन है, इक्वालिटी है, सेकुलरिज्म है, पूरा ख़त्म करने का अभी वो RSS का प्लान है। वो 95 ईयर्स का पहले 1925 क्या गोलवलकर सावरकर वो थिंकिंग है अभी इंप्लीमेंट करने का चालू कर रहा है मोदी एंड अमित शाह गैंग। अभी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का बदल करना, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है 395 आर्टिकल्स में अभी मेन वो सेकुलर निकालना, एक ही देश में एक ही रिलीजन होना, हिंदू होने तो ये भारत हिंदू बोल रहा है, ये हिंदू भारत का नहीं है, वो आर्यंस पहले ये इधर देश का नए आदमी आए, वो बाहर से आ गया इधर, अभी बाहर से आ गए के अभी बोल रहे नहीं नहीं मेरा का भारत है बोल रहा है, ये ब्राह्मण का भारत नहीं है, मनुवाद का भारत नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन सभी आदमी का, मुसलमान है, क्राइस्त है, सिख है, हिंदू है, सभी आदमी आदिवासी है, सभी आदमी का इधर का ये इक्वल राइट्स दे दिया। अभी वो इसका निकालने का वो RSS BJP का अभी काम कर रहा है, इसलिए मैं ईडी स्टेट में वो दलित मुस्लिम माइनॉरिटीज सभी OBC का सभी आदमी का मिलके वो सेव द कॉन्स्टिट्यूशन सेव द इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन का बचाव नहीं करने तो मेरा सभी आदमी का ख़त्म हो जाता, इसलिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन पहले कॉन्स्टिट्यूशन का सेव करना, इसलिए मैं ये ऑल ओवर स्टेट में टूर करने का, ये दलित मुस्लिम दलित क्रिश्चियन दलित आदिवासी दलित वुमेंस का ऑर्गेनाइज करने का, अभी कल क्या 73 ईयर्स हो गया कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हो गया क्या January 26th का, इसलिए मैं वो स्टेट लेवल लीडर्स का ये कॉन्फ्रेंस चिक्कोड़ी में कर रहे नियर स्टेट लेवल ओनली फॉर लीडर्स 2 to 3,000 मेंबर्स विल अटेंड दैट मीटिंग सर। ये बहुत बहुत शुक्रिया कि आप एक आईन हिंद की तहफ़ुज़ के लिए दस्तूर हिंद को यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए सेव कॉन्स्टिट्यूशन सेव इंडिया का जो तहरीक छेड़े हैं बहुत मुबारक है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये आप जो उठे हैं ये बहुत देर हो चुकी है? कई सारे दलित नौजवान हिंदुत्व की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, वहाँ पर राम सेना है या फिर भाजपा बजरंग दल जैसे पार्टियों में वो जा रहे हैं, तो कहीं तो भी आप जैसे लीडरशिप पहले से काम करने से चूकी, यानी कि मिस्टेक्स हैव डन बाय यू?
पहले बहुत मिस्टेक हो गए अभी। हाँ। वो पहले क्या सोच रहा है, बीजेपी आने तो क्या होता सोच रहा है, अभी मालूम होता। पहले क्या है, हे बीजेपी आने तो कांग्रेस आने तो बीजेपी आने तो कौन क्या क्या करता। अभी मालूम, अभी हो गया, अभी फार्मर्स का बिल आ गया, पूरा अंबानी अदानी का भेज रहा है देश में, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर रहे, एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन कर रहे। अभी मालूम होता वो पूरा रिजर्वेशन निकालता, वो एससी एसटी का रिजर्वेशन चले जाता, ओबीसी का रिजर्वेशन चले जाता, अभी क्या करना सोच रहा है। इसलिए मैं वो अवेयरनेस का करना, अभी वो बीजेपी आरएसएस पावर कहाँ है तो क्या क्या होता आपको इधर तक मालूम है। मैं लास्ट 30 ईयर्स काम किया कर्नाटक में, हमको मालूम होता बीजेपी का एजेंडा क्या है, आरएसएस का एजेंडा क्या है। बट अभी थोड़ा मिडिल क्लास में है ना, सेंटर में कोई, वो दलित में हिंदू है ना, ये अभी भी मालूम होता वो हिंदू बोलने तो क्या होता, आरएस का वो आरएसएस का वोट डालने तो क्या होता, अभी मालूम हो। इसलिए मैं अभी मैं बोल रहा है, हमेशा मोदी पावर का आने के बाद में CANA से लेके आ गया, हमेशा बोल दिया इधर भी आके उबली में कौन ये CAA का आपोस करता, वो आंटी दलित है बोल के, वो दलित का मर्डर हो गया ना इडी स्टेट कंट्री में। बीजेपी क्या कर दिया, आरएसएस क्या कर दिया, बजरंग दल क्या किया, वो हाँ वो दलित का मर्डर मुस्लिम नहीं किया, क्रिश्चियन नहीं किया, आदिवासी नहीं किया, हिंदू क्या हिंदू बोल रहे ना वो आदमी मर्डर किया, मनीष वाल्मीकि का कौन रेप कर दिया। इसे कैसे रोका जाए सर, ये जो मामला अब हाथ से बाहर जाता दिख रहा है। नहीं, नहीं, अभी दलित कर्नाटक में दलित कितना पॉपुलेशन है, वन सीआर का बाद है, 1 करोड़ का ज़्यादा है। एसटी का कितना है, 50 लाख है, मुस्लिम कितना है, 90 लाख है, क्रिश्चियन कितना है, वो 3 करोड़ का आदमी है। 50% वन प्लेटफॉर्म में आने तो वो नेक्स्ट डे आरएसएस बीजेपी नहीं रहता इधर। वो काम करना, इसलिए मैं जोड़ने का अभी साहब का बात किया। मैं वो बेंगलुर से दलित मुस्लिम, दलित आदिवासी, दलित क्रिश्चियन को सभी आदमी का मिलके अभी कार्य प्रोग्राम से चल रहा है इडी स्टेट में, ऐसा करना। अब बीजेपी पावर का आने तो क्या क्या होता। अभी मेरा दलित भाई को, दलित माइनॉरिटी भाई को क्या क्या, अभी वो कव स्लाटर बिल लेके आ गया, फार्मर्स का कितना प्रॉब्लम होता, ये मुस्लिम का इशू नहीं। वो बीजेपी क्या बोलता, वो मुस्लिम का इशू बोल रहे, नहीं ये मुस्लिम का इशू नहीं, दलित का इशू है। 90% दलित इज ईटिंग टू बीफ, नॉट ओनली मुस्लिम, व्हाट्स आर स्टडी, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर इशू। एंड फार्मर्स इस बहुत मुश्किल होता, फार्मर्स का ये बिल लेके आने तो बहुत मुश्किल होता। सर एक और एक सवाल ये पूछना था कि CANRC लेकर आए, मुसलमानों को टारगेट किया गया, 3 तलाक का है, मुसलमानों को टारगेट किया, ऐसे टाइम पे दलित कम्युनिटी क्यों मुसलमानों के पीछे नहीं खोल आ गया है? आ गया। मैं लास्ट 1 ईयर वो क्या दिसंबर में वो अमित शाह एंड मोदी बोलने तो प्रकाश अम्बेडकर जी का लेके बेलगाम से काम प्रोग्राम किया दलित मुस्लिम्स का, ये भी पाटिल कॉन्फ्रेंस हॉल में इधर किया, गुलबर्ग में किया, बल्लारी में किया, बेंगलुरु से किया, बेंगलुरु से 10 किया, बाद में पूरा स्टेट में पूरा कंट्री में दलित नहीं तो बहुत मुश्किल होता साहब। दलित नहीं आने तो वो टाइम में बहुत मुश्किल करता, वो पूरा बोल दिया। मेरे को वीडियो को भेजिए साहब का, आपका देखना कितना कार्य, रंगकर्मी प्रसन्ना, HS द्वारस्वामी, दलित मूवमेंट, सभी आदमी का मिलके CANRC, ये मुस्लिम का इशू नहीं, ये आदिवासी का इशू है, ये दलित का इशू है, वो चुपके ऐसा बोल रहा है, चुपके मुस्लिम का वो देखो ऐसा होता बोल के। अभी एक एग्जांपल, December 6, 1992 बाबरी मस्जिद का टूट दिया ना, कई को वो दिन का टूटना, कई को वो दिन टूटना, December 6 का कई टूटना, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर डेथ डे, वो इसका मुस्लिम का ऐसा बोल रहा है, बेसिक वो दलित इशू है, वो एजेंडा दलित है। तो ये दलितों में कन्विंस करने का अभी हो रहा है, अभी फास्ट हो रहा है, अभी फास्ट हो रहा है, अभी मालूम हुआ था वो क्या मोदी क्या क्या करे, अमित शाह मोदी वो दो आदमी मिलके इडी देश में वो अभी संविधान का बदल किया। अभी दिल्ली में जंतर मंतर में एक मनुवाद का वो कॉन्स्टिट्यूशन का ओपन किया, मोदी कुछ भी नहीं किया, हमेशा कुछ भी नहीं किया। अभी मालूम हो रहा है
बीजेपी संघ परिवार आंटी कॉन्स्टिट्यूशन आई, आंटी दलित्स आई, आंटी मुस्लिम आई, आंटी माइनॉरिटी क्रिश्चियंस आई, आदिवासी का आंटी आई, इसलिए अभी वो सभी छोटा मोटा का डिफरेंसेस का छोट के वन फ्लैटर में आ गया। सर एक बात क्या है कि मैं यहाँ पर अतराफ में देखता हूँ, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट और अतराफ में दलित नौजवान बीजेपी आरएसएस के कॉन्टैक्ट में है, कई तालुका प्लेसेस में रामसेना का मुखिया, तालुका डिस्ट्रिक्ट का वो प्रेसिडेंट, बजरंग दल का अंदर वो दलित को इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी कहाँ पर फसाद होता है तो उन लोगों को इस्तेमाल करने की बात भी कही जाती है, ये उन नौजवान को कैसे वापस लाया जाए? सर मैं साहब का बात किया, अशरफ साहब का, ईच तालुक लेवल में वो कैंप करना, व्हाट बाबा साहब अम्बेडकर टोल टू हिंदुइज्म, बाबा साहब अम्बेडकर साहब वो दिन का टोल दिया कई को 1935 में, वो अनफॉर्चुनेटली हिंदुइज्म ने मैं बत हो गया, मैं आई एम नॉट डाइंग टू हिंदुइज्म, इसलिए मैं 21 years आफ्टर इज कन्वर्टेड टू 1956 बुद्धिज्म, एंड ऑल्सो 1927 डिसंबर 25th इज बंद मनुवादा नागपुर में, this is very big challenges into Dalits, that's why I will decided in our in Karnataka mein Dalit Muslim and minorities kya kya hai adivasi kar leke wo workshops karna camp karna wo educate karna wo Baba Sahib Ambedkar kya bol diya wo Hindu rashtra nahi Hindu ka Hindu bolne to Brahman vada hai Hindu bolne to Manu vada hai Manu vada mein equality nahi विदाउट इक्वालिटी विदाउट आपका राइट्स नहीं तो क्या कर सकता, इसलिए मैं गुलाम का काम का चल रहा है, इसलिए मैं गुलाम का काम का छोड़ना वो कॉन्स्टिट्यूशन का बचान के बाबा साहब अम्बेडकर साथ में, बाबा साहब अम्बेडकर का साथ में मुस्लिम्स दलित क्रिश्चियन आदिवासी सभी आदमी का जाना, अल्टरनेटिव एक ही है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं तो पूरा 85% बहुजन का खत्म कर जाता है। ये बहुत सही कहा आपने कि हम सबको जो माइनॉरिटी है, पिछड़ा तबका, दलित, दबा कुचला जो है, ये सबको एक होकर काम करना चाहिए। क्या बात है कि हमेशा बीजेपी ही जीत रही है हर चुनाव को, ईवीएम मशीन का ख़त्म करना वो कांग्रेस लेके आ गया ईवीएम मशीन का, अभी बीजेपी वो चल रहा है, वो बोल रहा है इलेक्शन का 2019 में हमेशा बोल रहा है 300 का मैं आएंगे, कोई हमको स्टॉप करने का नहीं होता, 303 आ गया अभी बोल रही है, ये बेलगाम कॉन्स्टिट्यूशन ना बेलगाम पे बीजेपी आ रहे कैसे आ रहे है 50,000 आ रहे 50,000 आता कैसा आता, इसलिए मैं बोलेंगे ईवीएम 21 पॉलिटिकल रजिस्टर्ड 21 पॉलिटिकल पार्टीज यू वेंट टू सुप्रीम कोर्ट एंड आल्सो यू वेंट टू चीफ इलेक्शन कमीशन यू गिव द पिटिशंस यू प्लीज स्टॉप द ईवीएम मशीन्स लेकिन सुप्रीम कोर्ट स्टिल इज नॉट इंक्लूड सर अल बात के मीडिया से डायरेक्ट में बोलेंगे नौ क्या हो गया वो कोर्ट्स क्या हो गया क्या हो गया वो पहले चीफ जस्टिस नौ इज राज्यसभा मेंबर व्हाट इज द वैल्यूज इज देयर तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि फैसला आएगा बताइए स्ट्रगल करना भी जन आंदोलन का ही ना जन रशिया में 17 से क्या हो गया 17 सेंचुरी से क्या हो गया बहुत आदमी का वो पैलेस के वो जाएगा पैलेस के जाके क्या किया ऐसा होता वो स्टॉप करने का ईवीएम मशीन पे आपका साथ में रखने का मैं क्या होना कर सकता इसमें नहीं होता मालूम होता आदमी का मालूम हो गया अभी यह क्या अंदानी अबानी या टाटा बिल्ला नहीं चलता अभी 2024 का हिस्ट्री खत्म हो जाता 100% अभी ये 60 days हो गया दिल्ली में फार्मर्स का स्ट्रगल क्या किया अमित शाह का मोदी का क्या वो कर सकता बोलो 1 lakh आदमी का उधर बैठ दिया आपका ताकत ही नहीं था खालिस्तान का आदमी आ गया बोलता ठीक है खालिस्तान का आदमी आने तो तुम वो मिनिस्टर का क्या कर रहे रिजाइन कर दे वो रिजाइन कर कहीं को तुम वो मिनिस्टर में काम कर रहे हैं खालिस्तान का आदमी आ गया वो टेररिस्ट है वो फिर तुम क्या कर रहे तुम्हारा काम क्या है इसलिए मैं आदमी का अभी पंजाब हरियाणा राजस्थान यूपी मध्य प्रदेश अभी साउथ इंडिया का थोड़ा चालू होता चालू होने के बाद में अच्छा डिसीजन होता अच्छे दिन अभी नहीं अच्छे दिन पहले आता ये आदमी का जाने के बाद ना अच्छे दिन आता इसलिए मैं साथ में काम करना ये किए थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया ये थे दलित संघर्ष समिति के कई रियासत के
लिहाजा उन्होंने बहुत ही बेबाकी के साथ तमाम सवालों के जवाब दिए। उन्होंने ये भी बताया कि एक वक्त आएगा कि जन आंदोलन करना पड़ेगा, जिस तरह से रशिया में किया गया था, कि ये ईवीएम मशीन के ज़रिए से इंतखाबात तो जीत सकते हैं लेकिन लोगों के आवाम के दिलों को नहीं जीत सकते, लिहाजा आवाम को चाहिए कि वह जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।